हेलो एवरीवन, आज हम एक और छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, वो है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। वो भी किसमें? चिक की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या हो गई? दोज लेयर्स दैट आर फॉर्म आउटसाइड द एम्ब्रियो। ये किन किन में पाई जाती है? ये मिलती है आपको बर्ड्स में, ये रेप्टाइल्स में एंड मैमल्स। आप कहोगे इनमें क्यों? दीज आर कॉल्ड एमनियोट्स। ये एमनियोट्स कहलाते हैं। वाई डू दे नीड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन? क्योंकि वो टेरेस्ट्रियल जीव है, दे नीड एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है तो बाहर की हार्श कंडीशन में वो मर सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन, नरिशमेंट, मॉइस्चराइजेशन, कंडीशनरिंग ना मिले, इसलिए ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है। हर एक मेम्ब्रेन का, चार एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती है, हर एक का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। वी आर गोइंग टू सी ईच वन ऑफ देम एंड हाउ दे डेवलप। लेट्स फर्स्ट सी डायग्राम। ये आप देखिए, दिस इज एन एग कंटेनिंग चिक एम्ब्रियो। ये है आपका एम्ब्रियो। पहली जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है, दैट्स कॉल्ड योक सैक। ये आपके हो गए योक सैक। योक सैक का फंक्शन क्या होता है? कि वो न्यूट्रिशन देता है, इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये योक सैक का काम हो गया। दूसरी जो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है वो होती है एमनियॉन। इट इज़ एन एमनियोटिक फ्लूइड फिल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर जो प्रोटेक्ट करती है एम्ब्रियो को। इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर और एक एक्वस इन्वायरमेंट देती है जिसमें एम्ब्रियो आराम से डेवलप कर पाए। कहाँ गई आपकी एमनियोटिक कैविटी? एंड दिस इज एमनियॉन। थर्ड जो हो गई वो हो गई आपकी एलेंटॉइस। एलेंटॉइस आपका नाइट्रोजिनस वेस्ट रिमूव करती है डेवलपिंग एम्ब्रियो से, क्योंकि इनके पास को ये एक्सक्रीट तो कर नहीं सकते। दैन दे दिस इज रिमूव्ड बाय एन एलेंटॉइस। एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, द फोर्थ वन इज कोरियन। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग। ये क्या करती है? ये गैशियस एक्सचेंज में काम आती है एंड इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। ये आपके शेल के पास होती है, इसलिए ये आराम से गैशियस एक्सचेंज में मदद करती है। अब देखिएगा कि जब गैस्ट्रुलेशन होती है तो उधर दो लेयर बन जाती है। स्टार्टिंग में हम गए तो मोटी मोटी दो लेयर होती है, फिर बाद में मोमेंट कर करा के वो आपके एक्सटर्नल इंटरनल बनती है। पर अगर हम कहें तो दो लेयर बनती है, सोमेटोप्ल्यूर एंड अदर वन इज कॉल्ड स्प्लैंकोप्ल्यूर। आप ये सोचिए, ये आपके हो गए एक्टोडर्म। ये दोनों मीसोडर्म है, दिस इज द एंडोडर्म। द आउटर पार्ट द एक्टोडर्म एंड द अपर लेयर ऑफ मीसोडर्म, ये वाला रीजन, दीज फॉर्म व्हाट इज कॉल्ड सोमेटोप्लोर। द आउटर एक्टोडर्म एंड द अपर मीसोडर्मिक लेयर, जिसको हम सोमेटिक लेयर कहेंगे, दैट फॉर्म्स व्हाट इज कॉल्ड सोमेटोप्लोर। एंड द लोअर मीसोडर्म एंड द एंडोडर्म व्हाट इज कॉल्ड स्प्लैंकोप्लोर। अब ये दोनों लेयर्स ही है जो फॉर्म करेगी ये ऊपर वाली आपकी चारों एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। सोमेटोप्लोर मीन्स एक्टोडर्म एंड द अपर मीसोडर्म, दिस फॉर्म्स व्हाट इज एमनियॉन एंड कोरियन। एमनियॉन और कोरियन आउटर लेयर से बनते हैं, जबकि योक सैक एंड एलेंटॉइस आपकी इनर लेयर से बनता है। एक एक करके सबको देखते हैं, इन दोनों को हम साथ में पढ़ेंगे। द फर्स्ट लेयर दैट इज फॉर्म्ड इज योक सैक। योक सैक किससे बन रही है? स्प्लैंकोप्ल्यूर से बन रही है। काम क्या हो गया इसका? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। सबसे पहली जो लेयर बनती है वो है आपकी योक सैक।
दूसरी जो लेयर बनती है वो होती है एमनियन, और एमनियन जब बनती है उसके साथ कोरियन भी बनती है। ये तो आपके बन गए किससे, स्प्लैंको प्योर से। ये किससे बनती है, ये बनती है आपके सोमैटो प्योर। अब आपने ये जब स्ट्रक्चर देखा होगा तब आपने देखा कि ये जो एम्ब्रियो और एमनियन के बीच में जो कैविटी है दिस इज कॉल्ड एमनियोटिक कैविटी, और ये जो एमनियन और कोरियन के बीच की कैविटी है दिस इज कॉल्ड कोरियोनिक कैविटी। एमनियन का काम मैंने बता दिया, एक्वस एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट करता है, और कोरियन आउटरमोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है और गैशियस एक्सचेंज में काम आता है। एंड द लास्ट वन दैट इज फॉर्म्ड, द थर्ड वन इज एलन टॉइस, वो भी किससे बनती है, स्प्लैंकोप्लियोर से। एक्ट कैसे करती है आपके यूरिनरी ब्लैडर की तरह। ये लेयर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद में एक और टॉपिक हम पढ़ेंगे, प्लेसेंटा। तब ये ही चारों लेयर हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिक प्लेसेंटा बनाते हैं। ठीक है, इसके साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू।